थाने के तहत इतवारी स्थित एक निजी बैंक के सामने एक व्यापारी की दुपहिया गाड़ी की डिक्की से अज्ञात आरोपी चोरों ने 3.5 लाख रुपए निकालकर फरार हो गए। यह घटना मंगलवार की शाम 4:30 बजे की बताई जा रही है। ये पूरी घटना इलाके में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सुनील नागपाल के नाती धीरज शाम को 3,50,000 रुपए नकदी लेकर उनकी फर्म के खाते में पैसे डालने के लिए अपने दुपहिया वाहन से गए थे। धीरज ने रकम गाड़ी डिक्की में रखी थी, लेकिन 2 अज्ञात आरोपी युवक पहले से धीरज का पीछा करते हुए बैंक के पास पहुंच गए। इस दौरान एक युवक ने धीरज से पता पूछते हुए उसका ध्यान भटकाया और इसी दौरान दूसरे आरोपी ने मौका पाकर धीरज की गाड़ी की डिक्की से रकम निकाल दी। फिलहाल इस संबंध में तहसील के थानेदार अनुरुद्ध पुरी ने जांच कर जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी किए जाने की जानकारी दी है। NBC न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।